अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई हैं, पंखों की हवा में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कूलर उतारा है ऊपर से, जो कि हमने एक साइड पर रखा हुआ था पैक करके सर्दियों में, ताकि जब हमें यूज़ करना हो गर्मी में तो हम उसे नीचे उतार कर यूज़ कर सकें। और कवर करने के बाद भी ये इतनी डस्ट इसमें जमा हो गई थी कि ये मेरे हस्बैंड क्लीन कर रहे हैं इसको, और इसका जो आगे का पोर्शन था ये उन्होंने निकाल दिया है, अलग कर दिया है, ताकि इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी कंडीशन बेकार हो गई थी, और जिसमें कि ये कवर किया हुआ था चारों तरफ से, तो मेरे हस्बैंड इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छे से। और ये देखें, ये इसका फ्रंट साइड था जो ऑटो स्विम था ये, तो ये हमने निकाल दिया था। और ये देखें, ये क्लीन हो चुका है कुछ हद तक, और ये यहाँ पर पेंट लगा था जो कि नहीं निकला है, और ये बाकी साइड से एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। ये देखें, मेरे हस्बैंड ने इसको अच्छी तरह से साफ किया है। और इसकी जो ऑटो स्विम वाली जाली है वो हमने निकाल दी है, और इसको हम अब की बार ऐसे ही यूज़ करेंगे ताकि इसकी हवा एकदम और भी ज़्यादा अच्छे से लगे। और एकदम से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं, और कूलर में पानी वगैरह डालकर थोड़ा हवा ठंडी आ जाती है तो थोड़ा अच्छा रहता है। पंखों की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है इस टाइम, और ये कूलर की घास थी जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और ब्लॉक भी हो गई थी, तो हम एक साल के बाद इसे निकाल देते हैं। और फिर और ये देखें, ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, तो इसमें से एयर पास नहीं होती, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये निकाल दिया है। और ये स्टैंड यहाँ पर फिक्स कर दिया है मेरे हस्बैंड ने, और ये हमने सर्दियों में वॉलपेपर लगाया था यहाँ पर, तो ये इसको कट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, ताकि कूलर का जो फेस है वो इसमें आसानी से आ जाए और यहाँ से हवा अच्छे से जाए कूलर की, और तो वो इसको कट कर रहे हैं यहाँ से। और तभी हमें ये लगाना होगा, तब हम इसको ऐसे ही यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अभी फ़िलहाल वो इस तरह से निकाल के यहाँ से पीस रख रहे हैं, और ये देखें, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये कूलर को सेट कर दिया है, और इसकी जगह यहीं पर है रूम के बाहर। किचन में थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, बट और कहीं इसकी जगह बनती नहीं है, तो ये कूलर हमारा हो गया है रेडी। और इसकी हवा अभी थोड़ी गर्म आ रही थी, क्योंकि इसमें पानी वगैरह अभी नहीं डाला था हमने, ऐसे ही चेक करके देख रहे थे हम कि इसकी हवा, और इसके जो ऑटो स्विम वाला हमने आगे से निकाला था, तो उसकी वजह से हवा और भी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और ये हस्बैंड मेरे इसमें नई जो घास लाए हैं कूलर वाली, तो ये इसमें डाल रहे हैं, और ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम फ्रेश वाली ये घास इसमें डाल दी है उन्होंने। और ये कूलर हमारा हो गया है रेडी। अब इसमें हमने पानी भी भर लिया है अच्छे से, तो इसकी हवा एकदम ठंडी आ रही थी। तो जैसे कि गर्मी हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो आज सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में यही काम किया था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि आज वो छुट्टी में थे। और ये पीछे से भी मैंने इसकी जाली बंद कर दी है, तो ये एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बनाने लगी हूँ खाना, तो मैंने छोले सोक कर दिए थे रात में, तो
मैं उन्हीं में नमक डाल के उन्हें बॉईल करने लगी हूँ। और ये मैंने कुकर को बंद कर दिया है और एक साइड पर मैं आटा गूंदने लगी हूँ, आटा छान के। और जैसे कि मुझसे आटा खड़े होकर नहीं गूंदा जाता है, तो इसलिए मैं खड़े होकर छान लेती हूँ और फिर नीचे आराम से सुकून से बैठकर ही आटा मैं गूंदती हूँ। और दोपहर में कूलर वगैरह सेट करने के बाद में अज़ान हो गई थी और उसके बाद में हमने नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद में मैंने पारा भी पढ़ा था। उसके बाद मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए, जो कि मैं फ्राइडे में अब छुट्टी करने लगी हूँ रमज़ान में, और संडे में मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, तो इसलिए आज मुझे पढ़ाना पड़ा था ट्यूशन। तो इसके बाद में मैंने व्लॉग सीधा शाम से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि शाम ही हो गई थी बच्चों को ट्यूशन से जाने के बाद में क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फौरन मैं खाना वगैरह बनाने लगी थी। और ये मेरे हस्बैंड कुछ बात कर रहे हैं मेरे से बैठ के, और मैं आटा गूंद रही हूँ साथ में और उनसे बात भी कर रही हूँ। और ये मेरा आटा गूंदकर हो गया है रेडी और नीचे बैठकर आटा काफ़ी अच्छे से गूंदता है। और ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने ऑयल ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैंने डाला है ज़ीरा, हींग और थोड़ी सी चटनी जो कि मैंने पीस के रखी है, लहसुन और लाल मिर्च और नमक डाल के मैंने ये चटनी पीस कर रखी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये मैं छोले के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ, मुझे बनाने थे छोले, और ये मेरे छोले अच्छे से बॉईल हो चुके थे और ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इन्हें भी अच्छे से भून लूँगी। मसालों की सारी कच्ची स्मेल निकल जानी चाहिए, उसके बाद ही हम छोले ऐड करेंगे। उसके बाद में मैंने छोलों को भी अच्छे से भून लिया है, और टाइम ज़्यादा हो गया था और काम मेरे बहुत सारे थे, और आज मैंने पकौड़ियाँ वगैरह नहीं बनाई हैं बिल्कुल भी, तो आज मैंने खाली फ्रूट्स वगैरह ही कट किए हैं और छोले बनाए हैं और सब्ज़ी रोटी, बाकी मैंने आज पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी। मेरे हस्बैंड ने मना किया था आज पकौड़ी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं, और मैंने बाकी फ्रूट्स वगैरह कट किए थे और छोले वगैरह बनाए थे, तो आज मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी इसलिए। और ये मेरे छोले हो गए हैं रेडी, और मैंने ये ली है काली वाली मसूर की दाल, और उसमें मैंने पानी डाला है, हल्दी डाली है और लाल मिर्च का पाउडर डाला है और नमक डाला है, और ये मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और मुझे गैस फिर से थोड़ा सा गंदा लगा था, मुझे थोड़ी छींटे वगैरह दिखाई दे रही थी ऑयल की, तो मैं साथ साथ उसे भी क्लीन करती रहती हूँ हमेशा की तरह। तो मैंने गैस को क्लीन कर लिया है, उसके बाद में मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड किया था, और उसके बाद बनाने लगी हूँ मैं शरबत। और उसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि मैं शरबत कैसे बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें मैंने शुगर को अच्छे से घोल लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है रोज़ सिरप जो हम लाए थे डीमार्ट से, और ये रोज़ सिरप मैंने लिया है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करती हूँ खस, ये है खस, और ये गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, तो ये खस सिरप भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। और इसमें कोई कलर नहीं था, ये प्लेन था,
और काफ़ी अच्छा था। तो खस भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसा फ्लेवर नहीं होता है, बस ये ठंडक के लिए ही होता है। और इसके साथ में मैं इसमें लास्ट में डालती हूँ थोड़ा सा शिकंजी मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में फिर जैसे कि टाइम बचता है, अभी टाइम था आधा घंटा, तो मैंने क्यूब्स आइस क्यूब मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं सारे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हम एकदम से रोज़ा खोलने के बाद लेते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले ही इसमें आइस क्यूब डाल के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए और इतना ठंडा हम एकदम से ना पिएं। और ये जब तक हम पीते हैं तब तक नॉर्मल हो चुका होता है, क्यूब्स सारी घुल जाती हैं। और मैं साथ के साथ क्लीन भी करती जाऊंगी ताकि यहाँ ज़्यादा फैले नहीं। और मेरे छोले भी रेडी हो गए थे, बस उसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च वगैरह मुझे कट करके ऊपर से ऐड करना था। और मेरी दाल भी रेडी हो गई है, उसमें लगाने लगी हूँ अभी मैं तड़का। तो मैंने प्याज हरी मिर्च और टमाटर कट करके रख लिए हैं तड़के के लिए। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है एक पैन में, और उसके बाद मैं इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखी हैं बारीक। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हींग। और प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो इसमें हींग डालकर मैं फिर से इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे, वो भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। और इसको सभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। और साथ ही साथ जो मुझे कट करने थे प्याज हरी मिर्च छोले के लिए, तो वो भी मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर। और अब तैयारी भी अभी मैंने कट नहीं की है फ्रूट्स वगैरह। तो छोलों के लिए मैंने दो प्याज ली थी, तीन से चार हरी मिर्चें ली थी, और इनको मैं कट कर रही हूँ अभी। और साथ ही साथ तड़का भी तैयार कर रही हूँ, तड़का मेरा रेडी हो चुका है। दाल मेरी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई है, और इसमें मैंने तड़का डाल दिया है और दाल भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो इसे मैंने एक साइड पर रख दिया है, और ये मैं कट कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्च जो कि मेरे छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस मुझे उसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करनी थी। तो हरा धनिया मेरे पास आज नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला है। और ये मैं छोलों में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन जो मेरे पास रखा हुआ था। आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया है क्योंकि नींबू मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी यहाँ पर डाला है। और मैंने जो प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी मैंने डाल दी हैं। और मेरे छोले भी हो गए हैं रेडी, तो अब मैं
अब तैयारी बना लूँगी जल्दी जल्दी से, फ्रूट्स कट कर लूँगी सारे। और टाइम बहुत थोड़ा सा बचा था तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से मैंने कट कर ली थी। और रोटियां मैंने बाद में बनाई थी नमाज से फारिग होकर। तो ये मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं और रोटियां वगैरह मैंने बाद में बनाई थी। और किचन पूरा गंदा हो चुका था और वो भी मैंने बाद में क्लीन किया था। और ये फ्रूट्स भी हो गए हैं मेरे रेडी, तो फॉर्क वगैरह मैंने इनमें लगा लिए हैं। और ये छोले भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।